अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट हमारा साइंस है और इसमें हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इसमें इसका नेम है मैटर एंड मटेरियल्स और ये हमारा यूनिट नंबर सिक्स है। हमने पहले पेज नंबर 44 एंड 45 से किया था कि किस तरह से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम मैटर को चेंज करना है तो वो एक स्टेट से दूसरी और दूसरी से तीसरी में सिर्फ लिक्विड हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, और किसी भी फॉर्म में हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर पेज नंबर 45 में ही कर दिया था कि शुगर को अगर हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब हमने उनको मिक्स किया है तो मिक्सचर बन गया। जब हम अब चाहते हैं कि शुगर और वाटर को हम क्या करें, सेपरेट करें, उसके लिए क्या करेंगे, वाटर को इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, उसको हम बर्नर पे रखेंगे, जब तक वो वाटर इवेपोरेट होगा हीट मिलेगी उसको, वाटर को टेम्परेचर मिलेगा तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, गैस बन के हवा में उड़ गया और बाकी पीछे क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉलिड शुगर को जिसको लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया था वो हमें दोबारा वापस मिल गई है। और उससे पहले हमने किया था कि अगर हमारे पास आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम हीट अप करते हैं, अगर अपने हैंड पे रखते हैं उसको हीट मिलती है, वो लिक्विड बन जाती है, अगर उस लिक्विड को हम दोबारा लेकर उसको हीट अप करें तो वो क्या हो जाएगा, हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे आग लगाएंगे और फिर क्या होगा, वो इवेपोरेट होके गैस बन जाएगा। तो ये था कि किस तरह से मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती है। अब बात हमने करना है पेज नंबर 45 से मिक्सचर सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिक्सचर्स के बारे में आज करेंगे, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है वो क्या है उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मिक्सचर की डेफिनेशन की तरफ देखें। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटीरियल्स, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स हमने दिए हैं उनको अगर हम कंबाइन कर रहे हैं उनका कम्बिनेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सैंड है, सॉल्ट है, हमने उन दोनों को लिया हुआ है, ठीक है, अगर हम उनको मिक्स कर रहे हैं तो उनका मिक्सचर बन गया है। अगर हमने वाटर लिया है, वाटर के अंदर अगर हम सैंड को और सॉल्ट को डाल रहे हैं तो कितनी चीज़ें हमारे पास, तीन डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं ना, वाटर है, सैंड है, सॉल्ट है। ठीक है, इन तीनों को हमने मिक्स किया है और वो क्या बन गया, हमारे पास मिक्सचर आ गया हमें। ठीक है, तो अगर हमने सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को लिया है, इन तीनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर हमने पहले सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, सॉल्ट जो था वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, फिर हम सैंड ले रहे हैं, सैंड को वाटर के अंदर, उसी वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो सैंड इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। अब हम चाहते हैं कि हम इनको सेपरेट करें, सैंड अलहदा हो जाए, सॉल्ट अलहदा हो जाए वाटर से। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, सैंड को पहले हम स्टेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेट करके सैंड अलहदा कर लीजिए, वाटर है वो अलहदा हो गया। अब वाटर जो अलहदा हमारे पास हो गया जिसके अंदर सॉल्ट है, अब हम उसको हीट अप करेंगे। जब उसको हीट मिलेगी तो वाटर जो होगा वो इवेपोरेट करके गैस बन के ऊपर हो जाएगा। नीचे जो हमारे पास कंटेनर है, जो भी हमने पैन वगैरह लिया है, उसके अंदर हमें साल के छोटे छोटे से प्रेस्टेशन हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, साल के छोटे छोटे से पीसीज जो उस पैन के अंदर होंगे वो मौजूद होंगे, उससे हम देख लेंगे कि हमने वाटर को अलहदा कर लिया था, वो इवेपोरेट हो गया था, सॉल्ट हमारे पास अलहदा से आ गया और सैंड को हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी क्या कर लिया था, अलहदा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर सैंड और सॉल्ट को मिक्स किया हमने तो वो मिक्सचर बन गया था और इस मिक्सचर को हम इस तरीके से अलहदा भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो आपके यूनिट में उसके अबाउट डिस्कशन किसी भी चीज़ के अबाउट नहीं है। ठीक है, वो आप आगे क्लासेस में जब जाएंगे तब हम उनको रीड आउट करेंगे। अब आगे आगे सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो हैं वो मिक्सचर्स की ही टाइप है। ठीक है, कि आगे हमने जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बोर्ड पढ़ना है, तो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन क्या है, पहले हमें मिक्सचर के बोर्ड पता चल गया ना कि मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स का कम्बिनेशन जो होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो हैं वो किसकी टाइप, ठीक है, वो दोनों किसकी टाइप है, दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। कि मिक्सचर ही हम इनको करते हैं, उसमें एक मटेरियल जो है वो सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा जो मिक्स हो जाएगा, जो दूसरा मटेरियल जो किसी एक मटेरियल के साथ मिक्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो सस्पेंशन क्रिएट कर देगा। दे आर
at least one of the material is a liquid and another is a solid. ये ऐसे materials होते हैं solution and suspension के इनमें एक जो है चीज वो क्या होती है, वो लिक्विड होती है और दूसरी क्या होती है, सॉलिड होती है. ठीक है, जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ सॉल्यूशन की, अगर हमने सैंड को और सॉरी शुगर को और वाटर को लिया कहीं, ठीक है, शुगर को और वाटर को हमने डिजॉल्व किया है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है, जब शुगर जो है वो उसके अंदर मिक्स हो गया वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अगर हमने सैंड लिया है, अगर हम सैंड ले रहे हैं और सैंड को अगर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर वाटर के अंदर तो वो ऐड नहीं होगी वाटर में. ठीक है, सैंड क्या होगी, सैंड और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे और जब वो मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सैंड को वाटर के अंदर डालेंगे तो उसका कलर वाटर का ब्राउन हो जाएगा. ठीक है, थोड़ी देर तक आप उस वाटर को पड़ा रहने दें, फिर थोड़ी देर तक वाटर पड़ा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सैंड जो है वो हैवी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी. ठीक है, और वो मिक्स नहीं होगी, वो क्या हमारे पास आ जाएगा, सस्पेंशन. तो दोनों में हमने सॉल्यूशन में भी देखा और सस्पेंशन में भी देखा कि जो सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है इसमें एक मटेरियल इनके वाटर जो है वो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है और जो दूसरा मटेरियल हमारे पास आया है सैंड आई है या शुगर आई है वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है उनको डिस्कस करते हैं. तो इंशाल्लाह ताला आज आपने सिर्फ पेज नंबर 45 पर जो मिक्सचर्स के बोर्ड बताया हुआ है सिर्फ उसी को करना है. कल हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन को एग्जांपल्स के साथ करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. अब आपने क्या करना है, इस पेज को अच्छी तरह से घर में रीड आउट करना है और साथ ही साथ आपने जो पीछे एक्टिविटी मैंने दी थी आपको आइस क्यूब वाली, मुझे पता है आपने कर ली होगी, अगर नहीं की तो वो भी करें. और अगर आप लोगों का होमवर्क अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया तो प्लीज़ उसको जल्दी से करवा दें, ठीक है, फिर बाद में हम आपका चेक कर सकें. थैंक यू.